schwer. Gerade Wander in Laden, ab und schon. Ich habe mir ये शाम जब शाम गाड़ी का यहीं पे मगर सिटी में दोनों पता है पता है पर थोड़ा अगर फिर तो वो अड़ा लगा तो पार्क के शुवारे लैंड बोर्ड था मगर वो पार्क ऐसे डेवलप कर रहा है पार्किंग का ये पूरा अच्छा और यहाँ अभी कोई आया था मेरे सामने इमाम बारा के लैंड में रखी थी इवन इफ इट टेक्स अभी ड्रेनेज के 7 लीक्स अभी जिनको ड्रेनेज लीक होने की ड्रेनेज नहीं बनी मैं वो आपको कर दूंगा तो आपने एक काम करना है इंश्योर करना है कि एस्टीमेट बन जाए मैं भी इनको बोल रहा हूँ आप इनको दिखाएंगे थोड़ा सा वो करवाएंगे एस्टीमेट बन जाए फिर हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा उसमें ड्रेनेज का रिकॉर्ड यही है कि पहले ड्रेनेज कर दो पानी जमा हो अच्छा वो उसमें आप जिमी जी को खुद ही इनका आप जिमी जी को खुद ही ऊपर से फ्रेम लगा दें परसों से कंटिन्यू यहाँ पे लाइटिंग कर रहे हैं लाइट्स हमारे पास कम थी कितनी लाइट थी बस तकरीबन 20 लाइटें तक भेजती कि जहाँ पे ये रोड आपका डिस्टर्ब रहता है जुलूस की वजह से साल में 4-5 बार आपका एक अच्छा रोड है जो गाड़ी थोड़ा से निकल कर बाईपास करेगा इस पूरी एरिया को वो आपको मैनेज होकर निकल जाएगा जहाँ जहाँ पे भी इमामबाड़ा के आसपास जो इलाके हैं इन दिनों में खास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़रूरत रहती है कि हमारी जो सड़क है उसका अपडेट ठीक रहे जो भी हमारी तरफ से प्रोविजन हो सके वो लाइट्स हों और बाकी चीज़ें हों और कोई पीने के पानी की दिक्कत तो नहीं है वो सब कुछ जानने के लिए हम इलाकों में जा रहे हैं और आज हम मदीना में आए हैं यहाँ पे इस इलाके में जो यहाँ पर मेन जो इमामबाड़ा है वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर हमने इंटरेक्ट किया सबके साथ ओवरऑल आप देखेंगे कि जो फैसिलिटीज़ है SMC की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं जो बाहर का मेन रोड है जो रूट रहा करता है मेन मेजॉरिटी जो है वो मेट्रोमाइज है लास्ट ईयर ही मेट्रोमाइज कराया गया था और उसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हैं स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं बाकी प्रोविजन से वो सब भी फंक्शनल है आपको बताता चलूँ मैं कि सिर्फ इन दिनों में ही जहाँ से भी कंप्लेंट आती थी जो लगभग 2,500 ऐसी कंप्लेंट्स को हमने एड्रेस किया है जहाँ पे पुरानी काफ़ी पुरानी डिफंक्ट लाइट्स थी या तो उनको रिप्लेस किया है या फिर नई लगाई है वैसे करके किया है और अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से लगाने जा रहे हैं जो डिमांड आई है अभी रास्ते में हमने एक दो जगहों पर देखा जहाँ पर रोड का हमें लगा कि ज़रूरत है तो हमने वो इंस्टेंटली उसको अप्रूव किया वो रोड भी अभी आने वाले दिनों में बन जाएगी हो सकता है 10 मुहर्रम तक ना बने बट हाँ अगले साल के लिए वो सहूलियत हो जाएगी तो वही हम सर्विसेज को देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें टू द पॉइंट हैं सब कुछ अरेंज्ड है और कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं उसी के लिए देखिए वो तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हायर एडमिनिस्ट्रेशन है डिवीजन कमिश्नर साहब हैं बाकी लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या रूट रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है बट हम लोग कैपेबल हैं जैसा भी डायरेक्शन रहेंगे हम लोग अपनी तैयारी करेंगे।